हेलो गाइस, तो हमने पिछली क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, 8 नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए शुरू करते हैं इसे करना। तो गाइस देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने पिछली वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिया था, फिफ्थ का थर्ड पार्ट कर लिया था, और अब हम 6th क्वेश्चन करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। तो इसमें सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है उसको लिख लेंगे। 8 नेगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। तो गाइस देखिए इनके अंदर क्या करना है अब इनको। तो गाइस अब हमें इस सवाल के अंदर इनको मल्टीप्लाई करना है। अब हमने यहाँ पे साइड में लिख भी दिया है, आप देख भी सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा हुआ है जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनको कोष्टक में लिख दें क्योंकि इसके अंदर एक माइनस की डिजिट है, और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आंसर आएगा -8। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो गाइज हमने 2nd क्वेश्चन भी लिख लिया है, इसके अंदर 21 नेगेटिव और 30 पॉजिटिव है। तो इनको भी हम ब्रैकेट्स के अंदर डाल देंगे, और फिर इनको जब हम ओपन करेंगे तो फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर आया है गाइज इसका आंसर है -63। तो चलिए 3rd क्वेश्चन करते हैं, 199 नेगेटिव इंटीजर एंड 10 पॉजिटिव इंटीजर। तो गाइस देखिए ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके भी, अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी क्लास के क्वेश्चन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके बाद आगे का करेंगे, और आप कोई भी अगर आपको परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि और क्लास की और जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी वीडियोस आती रहेंगी, जैसे कि UPSC। और चलिए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस हमने क्वेश्चन जो है वो उतार लिया है, स्टेट विच इज़ ग्रेटर, 8+9 × 10 एंड 8+9 × 10। तो ये कुछ सिमिलर है, लेकिन वो जो पहले वाला है वो ब्रैकेट में है और दूसरे वाला वैसे ही है। तो इसीलिए अब हम इसको करना शुरू करते हैं। तो 8+9 × 10 पहले हम ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम फर्स्ट सॉल्व। तो गाइज अब हमने ब्रैकेट खोल लिया है, तो हमारा आ जाएगा इसका आंसर 170। 80+90 = 170 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब हम 2nd सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पे 2nd सॉल्व लिख देते हैं। तो गाइस देखिए अब हम इसको प्लस कर, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 90 और 90 में 8 को प्लस कर देंगे, 98 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 170 is greater than 98। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो गाइस आप जो है वो पहले जो था तो उसमें भी आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर जो आंसर आया है उसे भी कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो और बेटर रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
एट माइनस नाइन मल्टीप्लाई टेन एंड एट माइनस नाइन मल्टीप्लाई टेन, तो जो पहले वाला है वो है ब्रैकेट्स के अंदर। तो चलिए इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो इसका पहला जो पार्ट है ये वाला हम सोल्व करेंगे सबसे पहले। गाइस जो हमने पहला पार्ट सोल्व किया है उसका आंसर आया है माइनस टेन, और अब हम सेकंड पार्ट भी जल्दी जल्दी सोल्व कर लेते हैं। तो गाइस इसका आंसर आ चुका है माइनस 82। तो दोनों का हमारे पास आंसर आ चुका है, और अब हम देखेंगे कौन सा बड़ा है। माइनस टेन इज़ ग्रेटर देन माइनस 82। तो आप इसको दोबारा से फिर ऐसे ही आंसर के तरीके से लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज ये है थर्ड क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है मुझे लगता है। तो हमने इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन उतार लिया है, और अब हम इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सा ग्रेटर है। आपको सोल्व करना तो आ ही गया होगा, अगर नहीं आया तो हम उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बना देंगे, आप कमेंट करके बता देना। तो चलिए, तो इसका आंसर आया है प्लस का 42। अब हम सेकेंड वाला भी सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो गाइस इसका भी आंसर आ चुका है, इसका आंसर आया है माइनस का 32। अब हम देख लेते हैं कौन से वाला बड़ा है। ये तो आपको सिंपली पता ही चल रहा होगा, प्लस का 42 जो है वो बड़ा है। तो अब हम इसको आंसर के टाइप में लिख देंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय।